सो फ्रेंड्स, हाउ टू जस्टिफाई योर गैप, जो गैप हो गया है आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल का, जितने का भी हो, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू सीरीज का 7th वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो का, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो सकती है आपकी, अगर कुछ और डाउट होगा तो, ठीक है। तो क्या बताएंगे, अगर मान लीजिए आपका 2 साल का या 4 साल का गैप ले लेते हैं, 4 साल का गैप है, 2016 में आपने ग्रेजुएशन किया है और अभी आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो इंटरव्यू आपसे ज़रूर पूछेगा, ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, कि आपने आपका गैप कैसे हो गया। आपने आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आशुतोष, आपने ग्रेजुएशन 2016 में किया है और बीच के 4 साल आपने क्या किया, या फिर बोलेंगे बीच के समय में आप कहीं नौकरी करते थे, ऐसे पूछेंगे। मतलब वो आपसे जस्टिफिकेशन पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, बीच का साल कहाँ गया आपकी लाइफ का, ठीक है। तो अगर आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कभी भी ये नहीं बताना है कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था, इसके पहले मैं SSC की प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं हुआ, बैंकिंग में हो गया है, मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ भी रामायण ये सब नहीं बताना है। एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इतने साल में तुम बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बताना है, जेन्युइन चीज़ बताना है। जैसे अभी 4 साल से कहीं ना कहीं तुम जॉब कर ही रहे होगे, कहीं ना कहीं नौकरी कर ही रहे होगे, या फिर घर पे अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे होगे, या फिर कुछ भी हो, कंडीशन ऐसा होगा, ज़रूर से होगा, सबके साथ होगा। खाली तो वेले तो बैठे नहीं होगे कि 4 साल ग्रेजुएशन की हो गया है, 5 साल और तैयारी कर रहे हैं। अगर वेले बैठे भी थे तो ऐड कर लो इसको। क्या कि बताना है कि ग्रेजुएशन मैंने BTech, मान लो BTech लेते हैं, ग्रेजुएशन मैंने BTech से किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे घर पे। अब वो नहीं पूछेंगे, यहाँ ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रहा है जो आपसे खोद खोद के पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ, ऐसे नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो गई घर पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई घर पे, जिसकी वजह से मुझे घर का बिजनेस संभालना पड़ा, पापा मेरे दुकान पे बैठते हैं, मुझे दुकान पे शॉप पे बैठना पड़ा और मैं फिर वहीं लग गया, फिर लाइफ में वहीं उसी में बिजी हो गया। लेकिन मेरा अब इसके साथ ये जो रीज़न बताया कि फाइनेंशियल रीज़न था जिसके वजह से मुझे अपने पारिवारिक बिजनेस में, या फिर पापा मम्मी जिसका भी कोई काम हो, रोजगार था छोटा सा, उसमें लगना पड़ा, ये बोलने के बाद आपको बैंक में क्यों आ गए, इसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अब कैसे, मैंने बताया कि मैं मुझे लगना पड़ा मम्मी पापा के काम, घर के काम में लगना पड़ा, लेकिन मेरा झुकाव बैंकिंग सेक्टर में ग्रेजुएशन के टाइम से ही था, मैं शुरू से ही बैंक में जॉब करना चाहता था, ये बात को लाना है पड़ेगा आपको। जॉब करना चाहता था क्योंकि, फिर मैंने आपको बताया है वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग वाली वीडियो में, वही सारी लाइन दोहरा देनी है। तो हम पूरा एक सीक्वेंस में इसका आंसर देखना देखने की कोशिश करेंगे क्या बनता है। अगर आपसे पूछा गया तो आप ये बोलेंगे, सर ग्रेजुएशन के टाइम से ही मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से मुझे मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मुझे घर के काम में, घर के बिजनेस में लगना पड़ा, और फिर जब एक बार मैं बिजनेस में आ गया, घर के काम में, रोज़गार में आ गया, तो फिर मेरा निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन पिछले 3 से 4 साल में अब मेरे घर की कंडीशन सही है, स्टेबिलिटी है, और मेरा ग्रेजुएशन से ही बैंकिंग सेक्टर में झुकाव था, जो कि मुझे आज बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने में मेरा बहुत मदद किया है। तो इस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपको नेगेटिव पॉइंट्स को ऐड नहीं करना है, अपने फेलियर्स को नहीं शो करना है, अपने स्ट्रेंथ को शो करना है। अब जो मैं आंसर दिया हूँ वही आंसर नहीं बनता है, मैं एक मॉडल आंसर आपको दे रहा हूँ, आप उसको अपने कंडीशन के हिसाब से बनाइए। क्या करना है इसमें, नेगेटिव पॉइंट मैंने नहीं ऐड किया और अपने स्ट्रेंथ को शो किया है। स्ट्रेंथ को कैसे शो किया है, मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई मेरे घर पे, इस वजह से मैंने पहले उसको संभाला, फिर 2 से 3 साल में, 4 साल में उसको बिल्ड करके एक अच्छे कंडीशन पे लाया, और फिर जो मेरा सपना छूट गया था बैंकिंग इंडस्ट्री में आने का, उसको वापस से मैंने गेन किया। तो ये सारी चीज़ें मेरी कामयाबी है, ये सब मैंने हासिल की है अपनी मेहनत से, ये सब मैंने हासिल किया है। ये सब दिखा रहा है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के बंदे हैं, जिसने अपने मेहनत से जो सब चीज़ हासिल किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो अपने निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन से हुआ हो, चाहे मेडिकल कंडीशन से हुआ हो, चाहे जो भी कंडीशन आपके सामने आई हो, अगर नहीं आई है तो कोई एक जो मैंने बताया उसी को कॉपी कर लीजिए, फ्रेम करना पड़ेगा। आपको ये सब नहीं बताना है कि मैं तैयारी कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद से, 4 साल से तैयारी कर रहा था। आप ये सब ज्वाइन ऐड कर सकते हैं कि हाँ सर, मैं जो भी मेरा ग्रेजुएशन है उसके बाद से मैंने जॉब किया, 1 साल जॉब किया, फिर जॉब करते हुए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि चूँकि मेरा स्ट्रीम वही था तो उसी स्ट्रीम का जॉब मिला था, तो मुझे वो करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था, और लेकिन करते हुए मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन उस वर्क के दौरान मेरे कुछ दोस्त बने जो बैंक में हैं, उनसे मुझे उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में पता चला, और मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब लगता है, क्योंकि
ये वही सारी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि ये एक डायनेमिक जॉब है और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देता है आने वाले कुछ सालों में। मैं अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पर देखता हूँ और इसमें डायनेमिक जॉब है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों के समस्याओं को सुनने का मौका मिलेगा और उनको सुलझाने का भी मौका मिलेगा। अगर मैं ग्रामीण बैंक में होता हूँ तो गाँव से जुड़े समस्याओं को मैं सुलझा सकता हूँ, जो कि मेरा बचपन से सपना था। ऐसे कुछ फ्रेम करना है आपको, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। अगर मैं कंपाइल करूँ सारी चीज़ों को और मैं आपको एक आंसर देने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है कि सर ग्रेजुएट एक मैं मॉडल दे रहा हूँ, इसी को मत कॉपी कर लेना। सर मेरा ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट हुआ था, फिर उसके बाद से मैंने 1 साल एक प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब किया है, जो कि मेरे ही स्ट्रीम से था। बट मेरा वहाँ पे उतना मुझे वहाँ पर उतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जॉब में रहते हुए एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे दोस्तों से, मैं बैंक से रिलेटेड कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई और उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे मालूम चला। फिर वहीं से मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर की तरफ हो गया, लेकिन अचानक से मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो चूँकि उनको उसको संभालना मेरा प्राइमरी गोल था, तो मैं अपने जॉब को छोड़ नहीं सकता था। बट 2 से 3 साल मेहनत करने के बाद अब मेरे फैमिली कंडीशन जब अच्छी हो गई, तो मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी में लगा और इस बार सिलेक्शन पाकर आपके सामने हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर सही लगा होगा, और आप गलत लगा तो आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।